425 के लगभग टोटल मेंबर्स हैं। पिछले 9 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी 15 लोगों की बॉडी ने मिलकर लगभग बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है। रेडक्रॉस पहले खाली मेडिकल फील्ड में ही काम किया करता था और ब्लड बैंक हमारा मेजर एक्टिविटी थी, आज भी है, लेकिन थोड़ा उसका व्याप अब बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुछ और भी फील्ड में, जो समाज सेवाओं की ऐसी फील्ड है जिसमें मेडिकल और मेंटल हेल्थ ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कामों को और बढ़ाया है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर ने जब से चार्ज लिया है तब से लगातार हर 8 दिन या 3 दिन में एक मीटिंग हो रही है और सर की अपेक्षा और सर की इच्छा यह है कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं, एक्चुअल में 425 है लेकिन उसमें से बहुत सारे बेचारे हमारे कुछ बैयत है और उनके फैमिली में क्या भी और लोग कोई ज्वाइंट होंगे और नए मेंबर्स को भी पिछले साल कुछ 45 नए मेंबर्स लिए गए, ये साल भी 10% की ग्रोथ के हिसाब से ये साल के नए मेंबर्स लिए जाएंगे। ये जितने भी 425 मेंबर हैं उनमें से 125 मेंबर्स का बाकायदा उनको मैसेजेस दिए गए कि रेडक्रॉस ये 9 टोटल फील्ड के अंदर काम का व्याप बढ़ा रहा है, इसमें से आप जिस किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं आप अपनी राय दे और अपना कंसेंट दे। मैं ये 9-10 कमिटीज आपके सामने खाली शॉर्ट में देता हूं, मैं डाटा सब दिया है आपको, खाली आप सुनते भी चलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेडिकल हेल्थ चेकअप, हमारे पास में 4 मेडिकल की वैन्स है, इन चारों वैन्स का उपयोग शहर के हर नागरिक को मिले मेडिकल चेकअप से रिलेटेड। मैं आपको एक बात फक्र से बताना चाहता हूं कि ये वैन, एक एक वैन लगभग 50-50, 60-60 लाख रुपए की है, ये हमें नेशनल हेडक्वार्टर से आई है, कुछ बाहर के फंडिंग से भी आई है और अभी भी वो हमारे पीछे, खास करके हमको कहते हैं कि जलगांव रेडक्रॉस जिस अंदाज में काम कर रहा है तो हम और भी, हम आपको कुछ गाड़ियां देना चाहते हैं और आप यकीन मानिए अभी हमने थोड़ा उनको रोक के रखा है क्योंकि जब तक कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यूज नहीं होता तब तक के नए चीज लाकर और उसको जस्टिस देना ये हमारे लिए भी एक दिक्कत का काम होगा। तो वो अंदाज से सबसे पहले हमने एक कमेटी बनाई मेडिकल हेल्थ चेकअप, जिसका डॉक्टर रितेश पाटिल को हमने हेड बनाया और ये सारे मेडिकल वैन्स हर दिन लगभग कहीं ना कहीं शहर में मेडिकल चेकअप कैंप करती हुई नजर आएगी और लोगों की सेवा में खड़ी रहेगी। वैसे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनसे कोरिलेट करना, उनके साथ जोड़ना, जिला परिषद के साथ जोड़ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जोड़ना, डीएचओ के साथ जोड़ना, सिविल के साथ जोड़ना या ऐसे करते करते हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी मेडिकल की जितनी वैन है उसका यूटिलाइज हो। इसके लिए हमने इसकी एक कमेटी बनाई जिसका नाम हमने रखा मेडिकल हेल्थ चेकअप। सर 15 नगर पालिकेच्या गाडीचा तिथे अडचण येते आहे MH15। दूसरी हमारी कमेटी है ब्लड डोनेशन प्रमोशन, जो हमारा ब्लड डोनेशन होता है उसका प्रमोशन होना चाहिए, हालांकि हमारा टारगेट अचीव करने के लिए फिर भी हम थोड़े, हमको लगता है कि और भी गैप है जो हम कर सकते हैं। क्वालिटी कलेक्शन एंड क्वालिटी प्रोसेसिंग कमेटी, डिमांड जनरेशन, व्हीकल मैनेजमेंट कमेटी, CSR कमेटी, ये बहुत अच्छी कमेटी सर ने फॉर्म करी है सर, ये इसके पीछे का मकसद भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में CSR का फंड जो डेवलप होता है, जो समाज की समाज उपयोगी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ऐसा उसका एक पर्टिकुलर धोरण भी है, वो फंड का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं या हम तक ये कैसा पहुंचे, इसके लिए CSR की कमेटी बनाई गई है ताकि हम 500 से ज्यादा CSR कंपनीज को कॉन्टेक्ट करेंगे। उनका एक कॉन्फ्रेंस भी जलगांव में होने वाला है, वो कॉन्फ्रेंस हमारा दोनों तरीके से होगा, एक तो विजुअल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। उसके बाद दूसरी है प्लानिंग एंड प्रपोज्ड एक्टिविटीज, साल भर के हमारे प्लानिंग एंड कमेटी की प्रपोज की जाएगी, उसमें साल भर की एक्टिविटीज प्लान की जाएगी। कोर कमेटी,
सीनियर सिटीजन सिटीजन के लिए काउंसिलिंग कमेटी और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड बहुत सारे कामों के लिए कमेटी, जूनियर एंड यूथ रेडक्रॉस कमेटी, ऐसे टोटल 10 कमेटी का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया है। और ये 10 कमेटी में लगभग हमने 125 से ज्यादा लोगों को इससे जगा दी। उन सबके नाम आप तक है, आपके यादी में सबको दिए गए हैं, जिसमें शहर के लगभग सब नामचीन लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को जवाबदारियां दी है राजन साहब, जिसमें शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद होकर बहुत सारे कामों की जवाबदारी ली है। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 15 दिन से लगभग रोज मीटिंग्स हो रही है कि कैसे जवाबदारियां बांटी जाए, कैसे और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे शहर के और लोगों को जवाबदारी देके उनसे काम करवा के लिया जाए। क्योंकि आज रेडक्रॉस अपने तरीके से और आप सभी की मदद से काफी अच्छा काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि शहर में और भी कुछ कामों को अंजाम दिया जाए। जैसे कुछ लोगों में एडवोकेट सागर चित्रे, इन्होंने हमारे ऑप्थोमोलॉजी से रिलेटेड सर्जरीज, ऑप्थोमोलॉजी से रिलेटेड बच्चों के आंख चेक करना और गांव-गांव शहर-शहर जाकर आंखों से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए सागर चित्रे ने जवाबदारी ली। डॉक्टर श्रद्धा महाजन जो हमारे नेट प्रमोशन के लिए काम करने वाली है, दिग्विजय तिवारी जो कॉलेज लेवल पे सभी कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में जाकर ये करने वाले हैं, प्रमोशन करने वाले हैं, नितिन विस्पोते जो हमारे ड्रग एडिक्शन और इससे रिलेटेड जितनी भी जन जागृति रहेगी उसके ऊपर काम करने वाले हैं, नरेंद्र ठाकुर जो हमारा अव्ययदान और उससे रिलेटेड हमारा जो काम आने वाले साल में होने वाला है उसके ऊपर काम करने वाले हैं, डॉक्टर राहुल मयूर जो हमारे नेट प्रमोशंस के लिए ब्लड डोनेशन प्रमोशन के लिए काम करने वाले हैं, डॉक्टर गोविंद मंत्री जो यहां पर हमारे साथ में उपलब्ध है, 50 से ज्यादा कैंसर सर्जरीज और हर हफ्ते कैंसर की ओपीडी की जवाबदारी हमारे गोविंद मंत्री सर ने ली है। और खुलकर वो ये कहना चाहते हैं कि आने वाली जो 50 सर्जरीज है वो हम कहीं ना कहीं हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या जीएमसी या जहां भी उपलब्धता होगी उनके हिसाब से वहां हम सर्जरीज करेंगे, वो खुद करेंगे और उसके लिए पूरा सपोर्ट रेडक्रॉस करेगा और ओपीडी भी रेडक्रॉस में हर गुरुवार को उनके हाथ से ली जाएगी। डॉक्टर लीना पाटिल जो हमारी ब्लड डोनेशंस के नेट प्रमोशंस के लिए और ब्लड सेपरेशंस और उसके प्रमोशंस के लिए काम करने वाली है और जन जागरूक में काम करने वाली है, मैं जिनके नाम ले रहा हूं ये सभी लोग हमारे लगातार हर मीटिंग में उपलब्ध थे और इन्होंने सब ये जवाबदारी ली। एडवोकेट प्रवीण जंगले हमारे आदिवासी पाड़ा और आदिवासी बेल्ट में होने वाले मेडिकल कैंप से रिलेटेड साल में 2 बड़े मेजर कैंप्स लेंगे, इसकी उन्होंने जवाबदारी ली है। हेमंत कोठारी जो हमारे CSR से रिलेटेड और सिकल सेल्स और थैलेसीमिया के बच्चों से रिलेटेड जितने काम है उस पर काम करने वाले हैं, हर्षारी चौधरी जिन्हें आप जानते हैं दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड होने वाले काम और उनकी उनके हर एक्टिविटी से रिलेटेड के लिए रेडक्रॉस के साथ में जुड़कर अब काम करने वाली है, किशोर जाखेटे, डॉक्टर रितेश पाणी का मैं बता चुका हूं, डॉक्टर श्रेयास महाजन, डॉक्टर सतीश शिंदाड़कर, डॉक्टर आनंद दशपुत्रे, अरुण दंद्रशी एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स जितने हैं हमारे उनसे लीगल एडवाइजर्स और उनको दी जाने वाली लीगल हेल्प उसके ऊपर अरुणंदर्शी मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये सारे कामों को अंजाम आने वाले समय में रेडक्रॉस के थ्रू इन सब के लिए दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जितनी कमिटीज के नाम और कमिटीज के मेंबर्स के नाम आप तक दिए गए हैं ये सब लोग क्या करने वाले हैं वो भी डिटेल आपके पास में दिया गया है। खाली एक चीज जो हम लोग चाहते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं, ये सब साल भर के कामों का ब्यौरा है, ये इमीडिएट होते होते इसके फिर भी थोड़ा समय लगेगा, इसको डिस्क्रिप्टिव काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, इसका डिस्क्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए इसमें फंडिंग के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोगों के मदद की भी जरूरत पड़ेगी। हमने कुछ हर एक कमेटी में 10-12 लोग जो रेडक्रॉस के मेंबर है उनको लिया है, लेकिन इसमें एक चीज जो कलेक्टर सर ने खास करके कही है, सर आएंगे वो बात आपसे कहने वाले हैं, मैं पहले शुरू कर चुका हूं कि शहर के कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं रेडक्रॉस को खुले दिल से मदद करें और रेडक्रॉस के साथ में जुड़कर काम करें,
वैसे लोग भी रेड क्रॉस के लिए वेलकम है। वो लोग जिस कमेटी में काम करना चाहे, जिस किसी भी कमेटी में, वो अपना नाम दे सकते हैं और वो कमेटी में उनको उनको जगह दी जाएगी और उनको उनके काम और उनकी मेहनत के बदौलत उनको आगे अपने तरीके से जगह दी जाएगी। ये मकसद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर का एक ही है कि ये हमारे शहर के जितने भी बाकी भी अंग है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और भी बाकी कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जुड़कर भी काम किया जाए। एक और चीज आपको खास करके बताते चलूं, जो हमारे कलेक्टर सर की अपेक्षा है और सपना है कि बहुत सारे लोग शहर में अकेले बहुत सारा काम करते हैं, जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं रहता, बैनर नहीं रहता और नहीं उनके पीछे कोई फंडिंग रहता है, नहीं बेचारे अकेले ऐसे कुछ कर पाते। तो ऐसे जो लोग रेड क्रॉस के बैनर में भी काम करना चाहते हैं वो रेड क्रॉस से अप्रोच कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऐसे कुछ लोग आपको नजर आते हैं तो आप उनको भी जगह दें, हम उनको भी रेड क्रॉस का एक प्लेटफॉर्म देंगे। और चाहे वो फिर रनिंग करने वाले हो, जॉगिंग करने वाले हो, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ अवेयरनेस करने वाले हो, या जो भी लोग हो, उन सबको रेड क्रॉस के प्लेटफॉर्म पे ब्रांड के साथ में दिया जाएगा और उनको जन जागृति और उनको रेड क्रॉस के थ्रू काम किया जाएगा। तो ये हमारे सारे एक्टिविटीज का ब्यौरा मैं आपके सामने रख चुका हूँ। एक कलेक्टर सर शायद 2-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं, फिर भी आप